नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस विशेष पार्ट फास्ट टैग रिवीजन सीरीज में मैं हेमंत प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एवं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। क्लियर हो गया? तो आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सही सुमेलित हैं और एक तरफ दिया हुआ है किरणों का नाम, दूसरी तरफ दिया हुआ है आपका साइंटिस्ट का नाम जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पहला देखिए आप, गामा किरणें पॉल विलार्ड, एक्स किरणें रीटर, दृश्य किरणें या विजिबल रेस न्यूटन, उसके बाद देखिए अवरक्त किरणें हर्सेल। क्या है इसका सही आंसर? दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि इसमें एक विशेष बात छुपी हुई है। क्या विशेष बात है? कि सभी के सभी किरणें, जो चारों किरणें दी हुई हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। उनकी खास बात क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है जाने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। क्लियर हुआ? तो सभी के सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे करेक्ट मैचिंग क्या नहीं है। दोस्तों गामा किरणें, यह सही मैचिंग है, पॉल विलार्ड ने इसे डिस्कवर किया था। और गामा किरणें की खास बात क्या होती है? इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वेधन क्षमता होती है, सर्वाधिक होती है। क्लियर हुआ? दूसरा है एक्स किरणें। दोस्तों एक्स किरण से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आप नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते होंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी और इनको सबसे पहले क्या है, नोबेल प्राइज़ मिला था सन 1901 में। ठीक है, तो ये खास बात है। तो यही करेक्ट मैचिंग नहीं है, बी, एक्स किरण की खोज डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। उसके बाद देखिए विजिबल रेस न्यूटन ने ही किया था। विजिबल रेस क्या होता है? हम जो भी चीज़ें हम आँखों से देख पा रहे हैं, आज स्क्रीन में जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो एक्चुअल में किसके कारण है? विजिबल रेस के कारण है। दृश्य किरणों के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। क्लियर हुआ? तो ये भी सही मैचिंग है। अवरक्त किरणें हर्सेल ने ही किया था। अवरक्त किरणें क्या अपने साथ क्या लेती हैं? वो गर्म, यानी वह क्या होती है? गर्म होती हैं, हॉट होती हैं। क्लियर हो गया? जिसके कारण हमको क्या है, तापन की जो होती है हमको महसूस होती है, तापन महसूस होती है। उसके बाद देखिए, कम टू द सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी का मान पूछा है। सबसे पहले क्या है देखिए, गुरुत्वीय त्वरण या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? देखिए दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी पिंड या ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट मान लो और दूसरा ऑब्जेक्ट किसको मान लो, अर्थ या पृथ्वी को मान लो। तो क्या होता है कि पृथ्वी या अर्थ जो होता है अपने सेंटर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती, खींचती है। तो खींचने के दौरान जो है त्वरण या एक्सीलरेशन जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना और उस दौरान क्या है, त्वरण में जो, उसके दौरान जो त्वरण उत्पन्न होता है या एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे हम पृथ्वी से ऊपर जाएं, चाहे पृथ्वी के नीचे की ओर जाएं, हमें हमेशा ही क्या है, जी के मान में क्या होगा, हमेशा कमी आती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार जी के मान में पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर क्या है, वह घटता है। क्लियर हो गया? ये समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, घूर्णन गति बढ़ने पर यानी कि रोटेशनल स्पीड बढ़ने पर उसके मान में क्या परिवर्तन होता है? याद रखिएगा, घूर्णन गति जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी घूर्णन गति बढ़ाई जाएगी, रोटेशनल स्पीड बढ़ाई जाएगी, तो जी के वैल्यू क्या है, कम होगी। और जब भी रोटेशनल स्पीड घटाई जाएगी तो जी के वैल्यू में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया? तो इसमें सही आंसर क्या है, बढ़ता बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम घूर्णन गति को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, घटता है। यस, दिस इज द राइट आंसर, यानी कि घूर्णन गति को हम बढ़ाते हैं तो जी के मान में कमी आती है। क्लियर हुआ? इस प्रकार इसका आंसर बी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, पूछा है। केल्विन, हर्ट्ज, कैंडेला, एम्पियर, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आइए देखते हैं, केल्विन किसका ताप है, आपको पता होगा केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है। हर्ट्ज क्या है, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का यूनिट है। कैंडेला क्या है, यस दिस इज द राइट आंसर, ज्योति तीव्रता या ये देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सही आंसर है, जिसका मात्रक क्या है, कैंडेला है। उसके बाद देखिए
एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, इसमें एक और खास चीज़ छुपी हुई है। देखिए क्या खास चीज़ है, अगर आप हर्ट्ज को हटा दें, अगर हर्ट्ज को आप हटा दें तो सभी क्या हैं, बाकी तीनों क्या हैं, वो मूल मात्रक हैं, है ना, फंडामेंटल यूनिट हैं। तो जो सात फंडामेंटल यूनिट है ना, तो उनमें से ये जो है तीन तो ऑलरेडी यहाँ मेंशनड ही है। हर्ट जो क्या है वो उत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर हुआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण है। इसका ऑप्शन देखिए आप, हीट, विद्युत धारा, दाब और सभी। क्या है इसका सही आंसर? देखिए पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को जान लीजिए। सदिश और अदिश राशि क्या है? ऐसी राशि जिसके लिए दिशा एवं परिमाण यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आवश्यकता पड़ती है, वह क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। और ऐसी राशि जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, तो वह क्या है आपका, वह आपका है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखिए आपको क्या क्या है। देखिए हम देखते हैं, पहला है ताप, यह अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा एग्जैक्टली, ये भी अदिश राशि, उसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ताप के लिए भी दिशा की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। दाब के लिए भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव जो है, सभी जो है आपका करेक्ट इसका आंसर है। इस प्रकार अगर आप सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल रखें तो क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, त्वरण यानी एक्सीलरेशन हो गया, ये क्या है, सदिश राशि के एग्जांपल हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या क्या है, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रिपिटल फोर्स, संवेग यानी मोमेंटम और आवेश यानी इम्पल्स। आइए हम देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल है क्या। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई वस्तु मान लो वृत्ति गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन करने के दौरान सेंट्रल की ओर एक विशेष फोर्स कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या है। अपकेंद्रीय बल मोस्टली क्या है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, अजड़त्वीय फ्रेम होता है, उन्हीं में कार्य करता है। यह ठीक जो होता है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, यानी कि कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हुआ, मैं रिपीट करता हूँ इसे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्ति गति में रहती है तो उस दौरान केंद्र की ओर एक विशेष बल कार्य करता है, उस जो बल को कहते हैं हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अपकेंद्रीय बल, जिसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह क्या होता है, अजड़त्वीय फ्रेम में होता है और यह केंद्र की बाहर की ओर होता है, यानी कह सकते हैं हम अभिकेंद्रीय बल के जस्ट विपरीत क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है कि जैसे वॉशिंग मशीन का नाम सुने होंगे आप, और दूसरा है दूध से मक्खन निकालने की क्रिया, इस दोनों क्रिया में क्या यूज़ होता है, उसमें जो यूज़ होता है कौन सा होगा, अपकेंद्रीय हो अभिकेंद्रीय होगा। मैल बाहर निकलेगा, बाहर कब निकलेगा, वो केंद्र की ओर जाएगा तो बाहर निकलेगा, केंद्र से अगेंस्ट में जाएगा तो बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली केंद्र से बाहर जाएगा तो निकलेगा। तो केंद्र से बाहर क्या निकल रहा था, कौन सा फोर्स में, वह है आपका अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया। अब दोस्तों कई बार हम मौत का कुआं वाला एग्जांपल देखते हैं, तो मौत के कुएं में क्या होता है, राउंड राउंड बाइक में चलता है, तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि यह क्या है, एग्जांपल ऑफ अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल का एग्जांपल है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रतिक्रिया बल के कारण क्या है, वह चल पाता है, यानी बाइक का कुएं की दीवार पर लगाया गया फोर्स और कुएं की दीवार द्वारा बाइक पर लगाया गया फोर्स के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण ऐसा होता है। और याद रखिएगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यह भी है कि जो हम इसका आंसर लिए हैं, क्या आंसर लिए हैं, इसका आंसर लिए हैं अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह एक क्या है, स्यूडो फोर्स है, छद्म बल है। ठीक है, इससे पहले देखिए इस चीज़ों को क्लियर भी कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम या संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी,
यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संवेग या मोमेंटम। आवेग किसको कहते हैं, आवेग जो है बल गुणित टाइम डिस्टेंस, फोर्स इंटू टाइम डिस्टेंस, समय अंतराल, समझ रहे हैं। अब देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जरा दृष्टि दोष प्रेस बाइपिया में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ऑप्शंस आर अवतल लेंस, कनकेव लेंस, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस या नन ऑफ एबव। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, और आज के बाद यानी कि इस क्वेश्चन की डीलिंग के बाद मैं ये उम्मीद रखूंगा आप सभी के सभी ये प्रश्न सही करेंगे। तो केयरफुली देखिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इन इनके नाम में ही छुपा होता है अवतल उत्तल, ठीक। इसे हम क्या कहें, कनकेव, और इसे क्या कहते हैं, कन्वेक्स, ठीक। अब यहाँ पे पहला देखो, हमको चार टाइप के जो है दृष्टि दोष मिलते हैं, जो आँख से संबंधित जो दोष होते हैं वो चार टाइप का होता है मेजरली देखा जाए तो। हम तो पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष, या इसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गया स्पष्ट। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं। क्लियर हुआ, दो चीज़ें आप समझ पाए क्या। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हम दो टर्म को यूज़ करेंगे, पहला है निकट और दूसरा है दूर, ठीक। अब आप इंग्लिश के या हिंदी के अल्फ़ाबेट में आप जाइए तो उसमें देखिए दो टर्मिनोलॉजी को, हिंदी वाले देखें अवतल में आ और उत्तल में ऊ, इंग्लिश वाले देखें कन्वेक्स में एक्स और कनकेव में वी। देखिए इसमें सबसे आ और ऊ में कौन पहले आता है, आ आता है, आ आ ई ई ऊ आता है, तो आ पहले है, तो इसमें क्या है, आप निकट वाला क्या है, आ है, तो अवतल, समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अल्फाबेट में देखिए आ और ऊ कौन पहले आता है, यानी कौन निकट है आपके, वो आ है, उसके बाद ऊ आता है, इसलिए वो क्या है, निकट दृष्टि दोष में वो लेंस यूज होगा। और इंग्लिश वाले क्या देखिए, वी और एक्स में कौन पहले आता है, वी पहले आता है, यानी वो आपके ज़्यादा नियर है, निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपका कनकेव लेंस यूज होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ये क्लियर हो गया, आई थिंक इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, दो टाइप का तो क्वेश्चन इसमें बन ही जाता है, दो या तीन टाइप के क्वेश्चन बनता है कह सकते हैं। पहले कौन सा लेंस यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, रेटिना के पहले, रेटिना पर या रेटिना के बाद, ये पूछा जाता है दूसरा टाइप का। और तीसरे प्रकार का ये पूछा जाता है कि किसमें पास दिखाई देती, किसमें स्पष्ट दिखाई देती, किसमें नहीं दिखाई देती, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों ही चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी चीज़ें निकट दृष्टि दोष में क्या है, हमने देखा था कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, ये है अपना ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, रेटिना के पहले जो है ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पहले बनता है, तो पास की दिख रही है भैया, दूर की नहीं दिख रही है, सिंपल सी बात है। और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद मिल रही है, पास की दिख ही नहीं रही है, तो समझ रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या है, रेटिना के पहले आपका प्रतिबिंब बनेगा, और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो है रेटिना के बाद बनेगा, इसलिए वो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वह है हमारे पास जो एग्जाम्पल में आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष प्रेस बाइपिया ये क्या है। इसे आप इस प्रकार समझिए कि हमको क्या होता है, सामंजस्य क्षमता जो है घट जाती है, ना दूर की अच्छी दिखाई दे रही है, ना पास की अच्छी दिखाई दे रही है, समझ रहे हैं। तो उसे कौन सा जो लेंस यूज़ करके दूर किया जाता है, वह है बाईफोकल लेंस या उभयतल लेंस भी कहते हैं। बाईफोकल लेंस जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए, ये है जरा दृष्टि दोष के लिए। ये तीन टाइप के दोष हो गए, चौथा दोष क्या है, चौथा दोष ये है अबिंदुकता, दृष्टि वैषम्य या एस्टिगमेटिज्म। ये क्या है देखिए, एस्टिगमेटिज्म ये क्या है देखिए,
कि इसमें क्या है, आपको कोई भी चीज़ें ऐसा क्या 36 तो दिखाई देती हैं, ओरिजेंटल तो दिखाई देती हैं, बट आपको ऊर्ध्वाधर चीज़ें नहीं दिखा देती, ठीक है। यानी कि आपको ऊपर या नीचे नहीं दिखाई देती, ऊपर भी नहीं देख सकते, नीचे भी नहीं देख सकते, सीधा आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे, ओके। तो आई रिपीट अगेन, अवतल लेंस तो अपास है तो निकट दृष्टि दोष में यूज होगा, उत्तल लेंस ऊ दूर है इसलिए दूर दृष्टि दोष होगा, कनकेव और कॉन्वेक्स में भी वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आप, कनकेव में वी पास है और एक्स दूर है ना, अल्फाबेट के हिसाब से अगर आप चले तो, इसलिए आप उसमें क्या लगाएंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के अकॉर्डिंगली आप लेंस लगाएंगे। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया में क्या लगाएंगे, बाईफोकल लेंस लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, सिलेंड्रिकल लेंस किस में यूज करेंगे, एस्टिगमेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य अविंदुकता वाले जो है दृष्टि दोष में। क्लियर हो गया? तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा आप इसे करेक्ट करेंगे। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंद्रधनुष उदाहरण है, रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ, पहला है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन और ऑल। क्या है इसका सही आंसर? दोस्तों रेनबो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, परावर्तन क्या होता है कि कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, अब सन रेस इस पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे इसे अभिलंब कहेंगे, और यहाँ से क्या है ये जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे क्या है परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना क्या होगी आपका, परावर्तन की घटना, ठीक है। यानी कि मीडियम सेम है, यहाँ पे ये आपतित हो रही है और यहाँ से क्या है उसी माध्यम में जिस एंगल पे यह क्या है इंसिडेंट हुई थी, आपतित हुई थी, उसी एंगल से वो क्या है परावर्तित हो जा रही है। यह घटना क्या है, परावर्तन है। इसके बाद अपवर्तन की घटना क्या है, एक जो है रेस यहाँ पे आपतित होती है, ये अभिलंब हुआ, उसके बाद क्या है इससे अगर ये सघन है और ये विरल है यानी कि डेंस फॉर मीडियम है, ये कम डेंस मीडियम है, तो यहाँ से क्या है दूर हट जाएगी। लेकिन जस्ट अपोजिट क्या है, यहाँ पे आपका क्या होता है विरल होता, लो डेंस होता, यहाँ पे हाई डेंसिटी होती यानी कि ये सघन होता, तो उस केस में जो आपतित किरण है वह क्या होती अभिलंब की ओर झुक जाती। समझ रहे हैं? तो यह घटना क्या है आपका, अपवर्तन की घटना है या रिफ्रैक्शन की घटना है। उसके बाद देखिए वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आप जानते हैं कि कोई प्रिज्म है तो वहाँ पे से सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने के बाद क्या है, मान लो ये जैसे एयर था और यह क्या है ग्लास है, क्योंकि प्रिज्म क्या है ग्लास होता है, तो सघन माध्यम है, तो इस प्रकार क्या है वह अपने साथ मूलभूत रंगों में क्या होती है वह विभक्त हो जाती है, और यह जो है क्या होता है विभज्योर होता है, क्या होता है VIBGYOR यानी कि बैजानी हप्पी नाला या विभज्योर, सात रंगों में अपने विभक्त हो जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इंद्रधनुष या रेनबो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल एंगल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं? तो रेनबो एग्जाम्पल क्या है, उसमें क्या है अपवर्तन घटना भी होती है, परावर्तन की घटना भी होती है, और वर्ण विक्षेपण भी होता है, और उसमें जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, यह याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, ऑल होगा। अब देखिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का रेनबो होता है। देखो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, ज़्यादा क्लियर होता है, और सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा ब्लर होता है, ठीक है, पहला ये याद रखिएगा। दूसरा प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि जो है, देखो मान लो इसे इस प्रकार समझें, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है आप इस प्रकार देख रहे हैं, रेड जो है बाहर की होता है और जो होता है आपका बैंगनी, तो बैंगनी जो है आपका वायलेट जो होता है वो अंदर की ओर होता है, ये क्या है प्राइमरी है भैया। अब देखो मान लो कोई सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में क्या है वायलेट बाहर की ओर होता है और रेड अंदर की ओर होता है। समझ गए आप? तो इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। अच्छा एक और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट इंद्रधनुष के बारे में, वह ये है कि इंद्रधनुष की
प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या होता है, दो अपवर्तन और एक परावर्तन। आई रिपीट, दो अपवर्तन एक परावर्तन, यानी कि टू रिफ्रैक्शन वन रिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं। और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक दिख ही रहा है आपको, तो 2+2 कर लीजिएगा आप, माने दोनों ही दो रिफ्रैक्शन दो रिफ्लेक्शन, दो अपवर्तन दो परावर्तन, समझ गए। 2+1 और 2+2, अपवर्तन प्लस परावर्तन, क्लियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो ऑप्शंस आर हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग और बैंगनी रंग। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? इस प्रश्न को याद रखने के लिए, इसे बनाने के लिए याद रखिएगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा म्यू क्या है अपवर्तनांक और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसका क्या पूछा है, सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या मैंने कहा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा और उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, इस प्रकार सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल और सीसा संचायक सेल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और संभावित रूप से यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इन सेलों के बारे में और हमेशा हमेशा के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी सेल है क्या, प्राइमरी सेल का मतलब यह है कि इसमें एक सीधा केमिकल रिएक्शन के द्वारा सीधा आपको क्या है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये क्या है प्राइमरी सेल है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंडरी सेल की बात करें, तो सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, वह केमिकल एनर्जी में फिर स्टोर हो जाती है और फिर उसे हम क्या है फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में उसे हम सर्विस के रूप में लेते हैं। तो याद रखिएगा प्राइमरी सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी सीधा किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ रही है, बट सेकेंडरी सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम केमिकल एनर्जी को चार्ज कर रहे हैं, फिर वहाँ स्टोर हो रही है, फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी सेल एक बार यूज़ करने के बाद हम सब फेंक देते हैं, बट सेकेंडरी सेल को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो केयरफुली देखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, पहला है आप देखेंगे इसमें वोल्टिक सेल, वोल्टी सेल दिया है आपका, दूसरा एग्जांपल है आपका लेक्लांसी या लेक्लांसे, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है डेनियल और चौथा दिया हुआ है सीसा संचायक, ठीक है, सीसा संचायक यानी कि लेड एक्यूमुलेटर सेल। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, देखो इसमें क्या है, आपको पहली बात हम क्लियर कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर अगर आप देखेंगे तो उपरोक्त जो तीन जो ऊपर दिए हुए हैं वो तीनों क्या हैं आपके प्राइमरी सेल हैं, और डी जो है सीसा संचायक सेल जो है यानी कि लेड एक्यूमुलेटर सेल, वह आपका सही आंसर है। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जुड़े हुए हैं, उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहला क्या है, इसका एनोड और कैथोड यानी कि प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, और उसमें जो विद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या गया है, ठीक है। देखिए अगर आप देखते हैं इसमें ये पूछा जाता है कि वोल्टी सेल में कैथोड और एनोड पे क्या क्या होता है, कि बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर डालेंगे, और यहाँ पर क्या डालेंगे आप, तीसरा डेनियल में भी क्या है कॉपर ही होता है, समझ रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, आप देखेंगे अगर कैथोड वगैरह में आप देखेंगे इसमें जिंक होता है, इसमें भी जिंक होता है, और इसमें भी क्या है कार्बन होता है, इसमें भी जिंक होता है। इसमें केयरफुली क्या देखने वाली बात है, वोल्टी सेल में कॉपर है जिंक है, लिनियल सेल में कॉपर और जिंक है एनोड और कैथोड के रूप में, और लेक्लांसे सेल में क्या है आप कॉपर एनोड पे है और कैथोड पे क्या है यानी कि वहाँ पे जिंक है, समझ रहे हैं। अब देखते हैं इन तीनों में कुछ और समानताएं हैं, इसमें क्या है डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 क्या है इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है।
लेग्रांसी सेल में क्या होता है, NH4Cl यानी कि इसे नौसादर भी कहते हैं, NH4Cl क्या होता है, वह होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और आपने एक और नाम सुना होगा ड्राई सेल, ड्राई सेल के बारे में सुना होगा, शुष्क सेल, शुष्क सेल के बारे में ही बता देता हूँ, उसमें यहाँ और यहाँ पे चीज़ें कॉमन है। देखो कार्बन है इसमें एनोड पे, तो शुष्क सेल में भी कार्बन है, और जिंक कैथोड में है तो यहाँ पे भी जिंक कैथोड में है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे NH4Cl है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें भी है, लेकिन वह क्या, उसका पेस्ट है, किसका पेस्ट, NH4Cl का पेस्ट, समझ रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख लिए, यानी कि 2+2 का पेयर बना लीजिए आप, वोल्टी और डेनियल का पेयर बना लीजिए और लेक्लांसे और ड्राई सेल का पेयर बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद सीसा संचार सेल में क्या होता है, PbO2 लेड ऑक्साइड, और क्या होता है यहाँ पे, स्पॉन्जी लेड होता है कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव पॉइंट पे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें भी H2SO4 ही होता है जो डाइल्यूट होता है। आई थिंक ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न हमेशा आप सही कर लेंगे फिर, समझ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि आप वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा पहाड़ों पे दाल नहीं गलती, ठीक है, पहाड़ों पे दाल नहीं गलती क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, बस वो उसका कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट सेम है। जब भी वायुयान में आप फाउंटेन पेन वाली इंक अगर आप रखे होंगे तो स्याही रिस जाती है क्योंकि वहाँ पे भी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, समझ रहे हैं। इसका जो सही आंसर क्या होता है, ए, कम हो जाता है। उस प्रकार इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या अपरिवर्तित होती है। सबसे पहले ध्वनि के बारे में जान लीजिए, साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, यानी माध्यम के कणों के वह समानांतर गति करती है, समझ रहे हैं, और वह क्या है, एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है पूछा गया है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती। दोस्तों याद रखिएगा, माध्यम जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, उसकी चाल या स्पीड भी कम हो जाती है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो रिमेन अनचेंज रहती है, वह प्रभावित नहीं होती, वह अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, इस प्रकार अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें कि जल जो होता है बॉइल्ड होता है, उबलना चालू होता है, तो 100 डिग्री क्या है, जल का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर प्रेशर कुकर में इसे हम बनाते हैं खाना, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि जल्दी उबलने लगेगा तो खाना जल्दी पकेगा, दैट्स इट, ठीक है, यही लॉजिक है इसका। अब देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है, सही कथन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सेकंड स्टेटमेंट है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर देखेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे प्रश्न हम देखने को या पढ़ने को मिलते ही रहते हैं, खासकर 10th लेवल की बुक तक है कि ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए, इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और 1 और 2 जो है वो गलत है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, आपको पता है, वहाँ से परावर्तित प्रकाश 1.28 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँचती है, और पृथ्वी से प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से कितने में आती है, 8 मिनट 16.6 सेकंड में लगती है। तो वहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 16.6 मीटर पर सेकंड में वह पहुँचती है, ठीक है, 16.6 सेकंड में वह यहाँ पृथ्वी पर पहुँचती है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटर होना यानी फैल जाना यानी ब्लर दिखना। तो भाई आपको पता होगा ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होगा या ज़्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, तभी तो स्पष्ट दिखाई देगी ना। अगर ज़्यादा
प्रकीर्णन होता, ज़्यादा स्कैटर्ड होता तो ब्लर दिखाई देता, तो रेड सिग्नल हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, समझ रहे हैं। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब लाल रंग के बारे में हमने क्या क्या जान लिया, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है कम होता है, और उसका जो होता है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होता है स्कैटर जो होता है वो भी क्या होता है कम होता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या है, 1, 3, 2, 3, ओनली 3 और 1, 2, 3 क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यह उदाहरण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, बहुत आसान है, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले क्या जान लीजिए, एक नया शब्द यहाँ देखने को मिल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है, हमेशा माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है तो हमको क्या है ऐसा लगता है कि वह हमको एक बार सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल, इस टाइप से हो रहा है तो हमको ऐसा लगता है वो ट्विंकलिंग हो रहा है, वह टिमटिमा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। टोटल एंगल रिफ्लेक्शन के बारे में जान लीजिए, इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्त होती है। क्या पहला महत्वपूर्ण शर्त होता है, पहला महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यहाँ पे जो क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल की घटना होती है इसमें यह होता है कि देखो प्रकाश की किरणें जो हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए, और यहाँ पे क्या है आपतन कोण का मान यानी इंसिडेंट एंगल का मान हमेशा क्रांतिक एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आपके लिए टास्क है, आप देखिएगा क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने क्या है दो महत्वपूर्ण शर्त बताया, जो प्रकाश की किरणें क्या होगी हमेशा क्या है सघन से विरल माध्यम में जाएगी, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से हमेशा ज़्यादा होगा, उसी दो कंडीशन अप्लाई होगा तभी क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या पूर्णांतरिक परावर्तन। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते होंगे, इंटरनेट जब भी यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की जो वायर्स बिछाए जाते इसमें क्या है बिना ऊर्जा क्षय के सीधा क्या है आपको उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है आपको जो एग्जांपल है इसका जो आंसर है सही है वो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है आप कई सौ किलोमीटर क्या है आप हजारों किलोमीटर क्या है जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो इनपुट आप देते हैं वही आउटपुट आपको मिल जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल एंगल रिफ्लेक्शन पे यह कार्य करता है। उसके बाद देखिए जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, 0 डिग्री पर तो वो जमता है, 100 डिग्री पर वो बॉइल होता है, तो 0 डिग्री क्या है हिमांक और 100 डिग्री क्या है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और दोस्तों 4 डिग्री पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी सबसे अधिक होता है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार क्या है बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार के लिए नाइक्रोम प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता होती है, ज़्यादा होगी कम होगी क्या है, ज़्यादा होती है अधिक होती है कम होती है अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। देखो नाइक्रोम फ्यूज तार में यूज़ होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है पावर काफ़ी कम होती है, जब भी ज़्यादा लोड आया रेजिस्टेंस कम होगा तो आसानी से फ्लो होगा उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट, तो आसानी से हुआ क्या गल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता तो वो कैपेसिटी होती है उसको होल्ड करने के लिए, ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट आता तो उसको क्या है फ्लो होने देता, तो इसमें क्या होता है हमारे घर में क्या है जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते, ठीक है, तो लो प्रतिरोधकता। उसके बाद देखिए सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन देखिए वोल्टमीटर, विभवांतर मापन यंत्र, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र, अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने लिए यंत्र, और दिष्टकारी रेक्टिफायर दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन यंत्र। केयरफुली देखिए ऐसे प्रश्न हम अक्सर गलत कर जाते हैं, ध्यान से देखिए, पहला वोल्टमीटर बिल्कुल सही मैचिंग है, उसमें क्या है आपको विभवांतर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की थोड़ी सी भी मात्रा उसमें जा रही है तो उसे उसके द्वारा गैल्वेनोमीटर के द्वारा आसानी से हम उसे माप सकते हैं। उसके बाद देखिएगा
अमीटर क्या है? अमीटर को विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए यंत्र है, ये भी करेक्ट मैचिंग है। दोस्तों डी इसका राइट आंसर है, जो करेक्ट मैचिंग नहीं है। क्या है इसका सही आंसर? देखिए, दिष्टकारी जो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ना कि डीसी को एसी में। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में वह बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जस्ट ऑप्शन है, इसलिए डी इसका सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आ, नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन, गर्म लोहा, स्टील और कोबाल्ट। देखो दोस्तों, जो स्थायी चुंबक होता है और अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है, अस्थायी चुंबक में क्या है, उसकी चुंबकत्व क्षमता कम होती है और नष्ट भी हो सकती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का यूज़ किया जाता है, बट जब भी स्थायी चुंबक बनाना हो तो हमको क्या है, स्टील का हम यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? तो सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑल। क्या है इसका सही आंसर? काफ़ी महत्वपूर्ण गुणधर्म है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसका कैरेक्टर है सेमीकंडक्टर का, और पूरी सेमीकंडक्टर जो है आने के बाद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। और जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर, जो इसका डिस्कवरी कौन किया था, बैरेडिन, बॉर्डेन एंड सॉकले ने किया था, तो ट्रांजिस्टर में जो है, ट्रांजिस्टर की जो क्रांति आई वो भी उसमें एक सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा रोल दिया था। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, जब भी हम कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो चालकता या कंडक्टिविटी होती है वो घटती है, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जब भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इट इंक्रीजेस। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखा, कॉन्सेप्ट बेस्ड। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।